रुका ना एकदम मेज पर केक सजा हुआ है, मोमबत्तियां भी लग गई हैं, केक के बगल में मिठाई से भरी थाली भी रखी, गुब्बारे टांग कर सजावट भी की गई, मेहमानों की पूरी फौज भी मौजूद है, माने हैप्पी बर्थडे का पूरा माहौल है। काली टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहने बर्थडे बॉय हाथ में चाकू लिए केक काटने को तैयार है। इधर केक कटा और उधर मेहमानों ने हैप्पी बर्थडे टू यू गाना शुरू कर दिया। बर्थडे सेलिब्रेशन की ये तस्वीरें आम बर्थडे पार्टियों की तरह ही लग रही हैं, लेकिन इनके पीछे छिपी हकीकत ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि बर्थडे का ये केक सीतामढ़ी जिला जेल की चार दीवारी के भीतर कट रहा है। बर्थडे केक काटने वाला शख्स कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि बिहार का कुख्यात बदमाश पिंटू तिवारी है। पिंटू की इस बर्थडे पार्टी में न सिर्फ केक कटा और जन्मदिन के गीत गाए गए, बल्कि उसे तोहफे भी दिए गए। और उसके बाद सभी कैदियों ने मटन और चावल की दावत भी उड़ाई। वीडियो में तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा कैदी बदमाश पिंटू तिवारी के साथ जमीन पर बैठकर मटन और चावल की दावत उड़ाते नजर आ रहे हैं। खबर ये भी है कि बर्थडे पार्टी के लिए इस मटन और चावल को बनाने के लिए बाहर से बावर्ची भी बुलाए गए थे। जेल के भीतर हुए इस बर्थडे सेलिब्रेशन का पूरा वीडियो भी बना। कई कैदियों के हाथों में मोबाइल नजर आए। जेल में बर्थडे बॉय बना पिंटू तिवारी नाम का एक कुख्यात अपराधी 2015 में दरभंगा में दो इंजीनियरों की हत्याकांड में शामिल था और फिलहाल सीतामढ़ी जेल में इसी मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसके जन्मदिन का ये वीडियो 2 से 3 दिन पुराना है और अब सोशल मीडिया में वायरल है। सीतामढ़ी जेल के अंदर हुई इस जन्मदिन की पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस महकमे के पैरों तले जमीन खिसकी हुई है। वायरल वीडियो से साफ है कि सीतामढ़ी जेल में कानून की धज्जियां उड़ाते हुए जन्मदिन की पार्टी की व्यवस्था की गई और ऐसा कतई संभव नहीं है कि जेल प्रशासन की जानकारी के बिना ऐसा हुआ हो। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। पुलिस ने जैमर पहले लगाया कि जेलों में जैमर लगेगा, लेकिन जैमर क्या हुआ, इतना पैसा खर्च हुआ जैमर पे, लेकिन जैमर भी काम नहीं किया। तो इस तरह कैसे इस चीज को केक काट रहा है तो समाज में ये जाता है कि बताइए इतना बड़ा अपराधी जो है जेल में भी मस्ती कर रहा है, तो इस समाज में जो इम्प्रेशन पड़ता है गलत पड़ता है। लेकिन पूरा भ्रष्टाचार में हम लोग समाज है, मतलब पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में है, तो आप कहाँ कहाँ रोकिएगा भाई। हमको लगता है कि बिहार में पता नहीं प्रशासन, अपराधी, सरकार सब एक तरह के मिले हुए हैं। इससे पहले भी सिवान जेल से एक वीडियो वायरल हुआ था, उस पर कई हंगामे हुए थे, आज सीतामढ़ी के मामले आए हैं, इस प्रकार के कई मामले अनेकों जेल से आते हैं। तो जेल में अपराधियों और जेलरों के मिलीभगत, प्रशासनों के मिलीभगत से अनेक प्रकार के गुंडागर्दी होते रहता है। जेल में दिक्कत उनको होता है, जो गरीब जो चोरी चमारी में, जो लोग पाकिटमारी में जाते हैं उनको दिक्कत होता है, बाकी बड़े जो रसूख वाले व्यक्ति हैं, जो बड़े अपराधी हैं, वो बड़े आराम से जेल में रहते हैं और किसी कारण से, वो अपने कारणों से नहीं, जेल और सरकार के कारणों से आराम की जीवन जेल में व्यतीत करते हैं। बिहार जेल आईजी मिथिलेश कुमार ने अब इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दे दिया है। जेल आईजी ने इस मामले में सीतामढ़ी जिला प्रशासन और जेल प्रशासन से तुरंत रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने जांच के बाद दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है। खबर है कि जेल प्रशासन ने इस मामले में जेल के 7 कर्मचारियों के निलंबन का प्रस्ताव भेजा है। उधर इस वीडियो के वायरल होने के बाद बिहार की गठबंधन सरकार का हिस्सा बीजेपी बचाव की मुद्रा में। नहीं, गतिविधियों का आयाम का प्रमाणिकता के आधार पर अगर सही है इस पे, तो निश्चित तौर पर वहाँ इस चीज़ को बहुत सूक्ष्म रूप से उसको तहकीकात करने की आवश्यकता है और इस प्रकार की गतिविधि को वास्तव में
प्रशासन हो, सरकार हो, कभी इस चीज़ पे अपने सुनिश्चितता को आधार की सहमति नहीं दे सकती है, ना प्रशासन दे सकता है, ना सरकार दे सकती है। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का गतिविधियों की संलिप्तता को दिखाई देता है। पारदर्शिता तरीके से अगर इसकी सर्वेक्षण के ध्यान में जब आते आती है तो उस पर कार्रवाई की प्रक्रिया को अलग अलग प्रकार से दृष्टिगोचर रखते हुए आगे बढ़ाने की देखना चाहिए। पिछले एक साल में कम से कम दो बार बिहार के सभी जिला जेलों में पुलिस ने छापेमारी की है और वहां से कई मोबाइल फोन, चार्जर और नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। बावजूद इसके जेल के भीतर इस तरह से कुख्यात अपराधी का खुलेआम जन्मदिन मनाना, उसका वीडियो बनाना और फिर दावत उड़ाना गंभीर सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।